बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए, बगैर रोटी बेले शानदार आलू के पराठे की रेसिपी लेके आए हूँ और इसमें कुछ स्पेशल टेस्ट एंड फ्लेवर्स भी ऐड करेंगे जिससे आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये सब बनाना इतना आसान है कि जिसने आज तक रोटी भी नहीं बनाई वो भी ये बना सकता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़, आपने एक आलू को अच्छे से छील लेना है। उसके पास हमारे पास ये एक ग्रेटर है और इसमें आपको रेड शर्ट में मैं नज़र आ रहा हूँ ऑफ कोर्स। चलें जी, अब हमने इसको ग्रेट कर लेना है यहाँ पे, और ये बड़ी वाला आपने इसको ग्रेट करना है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, एक खूबसूरत से बॉल में पानी लेना है और इसको अच्छे से आपने धो लेना है। इसके ऊपर जो स्टार्च होता है, जो एक लेस सी होती है ना, वो आपने उतार देनी। ठीक है, इससे क्या होगा कि पराठा आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको डाल देंगे, एक आलू का ही हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलें जी, ये है हमारे पास 2 से 3 बिल्कुल बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, विटामिन सी से बड़ी हुई, और ये है रेड मिर्चें। ठीक है, 2 लिए मैंने, ये खूबसूरती, टेस्ट और खुशबू सभी का काम करेंगी। और ये है बहुत ही स्पेशल चीज़, ग्रीन अनियन यानी कि पुका वाले गंडे 2 टेबलस्पून के करीब, और धनिया के मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं। ठीक है, ताकि खूबसूरती ज़्यादा आ सके। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान रखा करें। चलें जी, ऑफकोर्स प्याज के बगैर ये पराठा पॉसिबल ही नहीं। एक खूबसूरत सा चटुवटा लेंगे और यहाँ पर फ्लेवर के लिए आपको चाहिए अदरक स्पेशल फ्रेश कुटी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि लहसुन आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना अच्छा फ्लेवर देगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन ये जो खाली अदरक है ना, बिल्कुल फ्रेश, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी कूटे हुए की। चलें जी, साइड पे कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें काफ़ी होगा। 1.5 टीस्पून इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर इसमें जाएगा। और ये है हमारे पास जीरा 1/2 टीस्पून, और हल्दी भी ऑफ कोर्स हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इससे कलर अच्छा आ जाएगा। 1/2 टीस्पून काफ़ी होगी। चलें जी, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे घी ऑयल का, इससे पराठा ना आपका बहुत ही क्रिस्पी बनता है और कलर भी अच्छा आता है। ठीक हो गया। अगली चीज़, अंडा। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे आपके पराठे में ऐसी खुशबू आएगी, एक सॉफ्टनेस आएगी, और कह लें कि सुभान अल्लाह। अब मैं इसमें वाइट आटा या मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1.5 कप यूज़ कर रहा हूँ। इसको अच्छे से छान के हमेशा यूज़ किया करें। आप चक्की वाला घर का जो आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ इस मेजरमेंट्स के मुताबिक 1.5 कप इसमें पानी का गया था टोटल। ठीक है, तो फाइनल जो बात है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि ये बहुत पतला या बहुत गाढ़ा ना हो, इस तरह का हो, मतलब कि ये बह सके। तो 1.5 कप इसमें टोटल गया था। अब इस रेसिपी की अहम तरीन चीज़ ये है कि आपने इसको पकाना कैसे है। कच्चा तो नहीं रह जाएगा, स्मेल तो नहीं आएगी, वो सभी बातें मैं आपको गाइड करूँगा, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक पैन लेंगे और इसके अंदर देसी घी हम थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर इसको पोर करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। ठीक है, आपने इतना ही रखना है, बिल्कुल पतला भी नहीं कर देना, उससे क्रिस्पी नहीं बनेगा, और बहुत गाढ़ा नहीं कर देना वरना आपसे शेप नहीं आएगी। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको देख लें शेप दे दी है। अब हम इसको पकने देंगे। जब ये थोड़ा सा, ये देखें, आपको पका पका फील हो, थोड़ा सा साइड पे मजीद देसी घी, घी ऑयल जो भी अवेलेबल हो लगा दें। अब जब हमें लगे कि ये स्ट्रांग हो चुका है, वजूद पकड़ चुका है, तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम पलट देंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आराम से पकाना है, जल्दी कोई नहीं करनी। और ये देखें, इसको हम पलट देते हैं, तो माशाल्लाह से एक साइड तो इसकी डन हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड को भी डन कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते, नेमते और बरकतें यदि उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट रेसिपीज, 10 मिनट्स रेसिपीज, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज, पुलाव रेसिपीज, बिरयानी रेसिपी, हर तरह की हलीम की रेसिपी, हर तरह के नान की रेसिपी, पिज़्ज़ा की रेसिपी, पिज़्ज़ा विदाउट ओवन की रेसिपी, बिस्किट्स की रेसिपी और टी केक की रेसिपी, हर तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त सर को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।